तो आज सोशल मीडिया का दिन है, आप अपने सवाल हमें ट्विटर पे भेजते रहिएगा, हम फटाफट उसके जवाब लेने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल शामिल करेंगे। आज के मेहमान हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जी। गाबा सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये मिड कैप वाले सर धुआंधार रैली कर रहे हैं और लार्ज कैप फिर से एक बार पिछड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको निफ्टी इस समय? अब मंडे को छुट्टी है ना, 3 दिन के बाद कौन करे ले जाएगा आज फ्राइडे के दिन। तो बस वही चाल चल रहा है। बेसिकली जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो तो ठीक ही है, बुरा नहीं, लेकिन निफ्टी अपर रेंज पे गया था 19,800, वहां पर 3 बार पहले ही रुक चुका है, ये थर्ड फोर्थ अटेप है, ये चौथी बार यहाँ से पार निकलेगा, थर्ड बार तो यहाँ पर रुकेगा, फिर नीचे आएगा, थोड़ा वक्त गुजारेगा, फिर जब अब निकलेगा 19,800 पार कर लेगा, फिर वो 20,000 तक पकड़ जाएगा। ये थर्ड अटेम्प्ट फेल होता है, फोर्थ अटेम्प्ट तक सक्सीड होगा। है तो फिलहाल वीक, लेकिन वीक इतना भी नहीं है कि हम कहेंगे वीक है मार्केट, थोड़ा स्लगिश है। 19,500 बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, 19,600 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट, ये जोन ऑफ सपोर्ट है। तो नीचे आएगा तो खरीदना है, ऊपर जाएगा तो होल्ड करना है। इस बार 19,800 पार कर लेगा तो 20,000 भी पार कर लेगा, तो मेरे ख्याल से बिल्डअप बन रहा है। बैंक निफ्टी स्लाइटली बेटर है, पॉसिबल है कि आपको मिल सकता है, ट्रेड कर रहा है 43,675, हो सकता है आपको मिले, क्योंकि अगर चला जाएगा, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, 43,000 भी जा सकता है, क्योंकि HDFC बैंक शार्प दे रहा है, स्टॉप लगाना चाहिए 43,600 का। ओके, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर लिख रहा है। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि एक खबर भी आप लोगों को बताएंगे, वो खबर पहले चलते हैं, देखते हैं क्या है। 30 नवंबर को होगी रक्षा मंत्री की अगुवाई में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC की अहम बैठक। अनुमान है कि जिसमें करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये के डिफेंस इक्विपमेंट घरेलू कंपनियों से खरीदने पर फैसला किया जा सकता है। डिटेल में जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, क्या खबर है पूरी और डिटेल बताइए, क्या समस्या है पूरी? देखिए, दरअसल डिफेंस सेक्टर में डिफेंस इक्विपमेंट पर जो है इंपोर्ट पर निर्भरता खत्म करने के लिए और घरेलू कंपनी से सामान खरीदने के लिए सरकार एक और कदम बढ़ाने जा रही है, और ये 30 नवंबर को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक है। ये DAC की जो बैठक होती है, रक्षा मंत्री की अगुवाई में बैठक होती है, और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस काउंसिल की बैठक में जो एजेंडा रखा गया है उनमें से एक एजेंडा काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके तहत 97 तेजस फाइटर खरीदने का प्रस्ताव रखा गया है। 97 जो तेजस फाइटर खरीदे जाएंगे उनकी कुल कीमत करीब 55,000 करोड़ रुपए की होगी, और ये जो है सो ये HAL से लिया जाएगा, HAL इसको बनाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और बता दूं कि इससे पहले भी 83 यानी 83 तेजस फाइटर प्लेन खरीदने की मंजूरी जो है मिल चुकी है, जिसको HAL बना रहा है और जिसकी डिलीवरी फरवरी 2024 से 2028 के बीच में होनी है। तो दूसरी किस्त का मंजूरी यहां पे दी जाएगी, एक बार काउंसिल से मंजूरी मिल गई तो फिर टेंडर किया जाएगा, फिर इसको मंजूरी बनाने के लिए ऑर्डर दिया जाएगा। दूसरा जो प्रस्ताव है उसके तहत 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर वो खरीदने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव को ही मंजूरी मिलने की संभावना है इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में। और यहां पर दरअसल तकनीकी शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी इन सारी चीजों की जरूरत है ये हम स्वीकार कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को मंजूरी मिलती है काउंसिल से तो फिर इसके आगे की कार्रवाई शुरू होती है और ऑर्डर दिया जाता है इनको बनाने के लिए। तो ये जो 30 नवंबर को बैठक होने वाली है इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण, ये बताओ कि ये हर महीना 1.5 महीने में एक बार मीटिंग करते हैं, एक बार में करके क्यों नहीं खत्म करते पूरे साल के लिए? नहीं, दरअसल ये जो है सो ये पूरे साल के लिए इसलिए नहीं करते क्योंकि पहले एक लिस्ट बनाए, पूरी एक लिस्ट सरकार पहले ही बना चुकी है कि इतने सामान को हमें खरीदना है। अब कब कब खरीदना है, कब किसका ऑर्डर देना है, कब किसकी ज़रूरत है, वो समय समय पे अलग अलग डिफेंस मंत्रालय के अलग अलग विंग जो है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ये लोग अपना अपना ज़रूरत बताते हैं, उस ज़रूरत के हिसाब से ऑर्डर दिया जाता है और फिर ये प्रक्रिया एक है, इस वजह से ये किस्तों में दिया जाता है। इससे पहले भी कई सारे करीब 1,000 के आसपास आइटम जिसके इंपोर्ट को नेगेटिव लिस्ट में डाला गया, फिर धीरे से उसको प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया। तो ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिसके तहत सरकार ये काउंसिल की बैठक करती है महीने दो महीने पे और फिर इन प्रस्तावों को मंजूरी देती है। हाँ भाई, ये बात तो है, करती रहते हैं, लेकिन एक बार मैसेज करके पूरे साल भर का ऑर्डर नहीं है, हर 15 दिन में 20 दिन में एक बार एक बैठक होती रहती। खैर, एनीवे, अच्छी खबर है ये डिफेंस सेक्टर्स के लिए। गाबा जी के पास चलते हैं। गाबा जी, डिफेंस का कोई स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? खबर तो बड़ी है ये।
मुझे एचएल बहुत पसंद है, सीधी बात। एचएल का जो चार्ट है बढ़िया चार्ट है, इसमें करेक्शन आते हैं जरा हो जाता है, ट्रेड करें 2159 पर, ये उड़ान तो भर रहा है। अब नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट 2500 का होना चाहिए, लेकिन इतना कह सकते हैं टारगेट क्यों लगाएं, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2100 का, जब तक उसके ऊपर है अपू मिलता रहेगा, करेक्शन आएंगे बाय करते रहिए एंड कंटिन्यू होल्डिंग है 3, 6, 8 महीने से। तो मेरे ख्याल से हायर टाइम फ्रेम भी चार्ट जो है बढ़िया है, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम भी चार्ट एचएल का बढ़िया है, बिल्कुल होना चाहिए होल्ड। होल्ड करके रखिए। लक्ष्मण जी खबर लेके आए हैं कि 30 तारीख को बैठक है, उसमें कई सारे फैसले लिए जाने हैं। एक्चुअली सवाल ले लेते हैं फटाफट। अमित जी का सवाल है, इसी सेगमेंट से जुड़ी कंपनी है डेटा पैटर्न्स, 100 शेयर हैं इनके पास 2480 के भाव के, और फोर्स मोटर 20 शेयर है 4600 के भाव के। गावा जी डेटा पैटर्न्स, हाँ डेटा पैटर्न्स बिल्कुल बढ़िया स्टॉक है, 1800-1850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, होल्ड करना चाहिए। कहां तक जाएगा, रिसेंट हाई हमने 2400 का देखा है, वहां तक जाने की भी क्षमता रखता है, इसमें वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है डेटा पैटर्न्स में, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी बढ़िया स्टॉक है डेटा पैटर्न्स। और फोर्स मोटर्स 4600 पे उन्होंने लिया 20 शेयर, 4600 वेल यहाँ पर 4000 है, लेकिन 4600 नहीं लिया होगा क्योंकि ऑल टाइम हाई तो 4500 किया, 4600 में कैसे ले लिया उन्होंने, तो वो बहुत पहले लिया होगा, जरूर फिर स्प्लिट होगा उसका, नहीं नहीं किसी जमाने में सर ये गया था, पुराना बहुत पुराना बहुत पुराना लिया होगा इन्होंने, उसके बाद तो 1000 भी देखा फोर्स मोटर, मेरे ख्याल से इसे होल्ड ही करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। 4500 में अच्छा लगता तो 1000 में ज्यादा अच्छा लगना चाहिए था। ओके, हिल के नाम से इन्होंने ट्विटर हैंडल बनाया है, हिल पटेल, इनके पास IEX के 100 शेयर हैं, आपके बहुत बड़े फैन है गावा जी, 135 के भाव पे ले रखे हैं IEX, क्या करें ये? IEX 135 के भाव है, 143 पर ट्रेड कर रहा है, लगता है कि आजकल जो IEX का जो चार्ट है उसके सामने एक बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है, मेरे ख्याल से 160 तक जा सकता है, 160 में जाके थोड़ा अटक भी सकता है, जब 160 दिल से पास कर देगा हायर टाइम फ्रेम पर तो फिर हायर जोन देखेंगे, कहीं 200 भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल 160 पॉसिबल है, तो IEX होल्ड। ओके, विवेक प्रजापति का सवाल है, इन्होंने सीएट के 20 शेयर्स ले रखे हैं 2157 के भाव पर, ट्रेडिंग व्यू है 1 महीने का, 1 महीने का व्यू है सीएट, ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है सीएट, तो ट्रेडिंग पे नहीं होना चाहिए, अब साइडवेज चल रहा है करीब 2 महीने से, 1 महीने में क्या करेंगे, कॉस्ट के आसपास निकल ही जाएगी। इन्होंने पिछले क्वार्टर में मतलब बीता क्वार्टर बेस्ट रिजल्ट दिया था अपने लाइफ का, अब उससे भी बेस्ट देंगे तो स्टॉक ऊपर चलेगा, बेस्ट तो डिस्काउंट हो गया इसमें। अगला सवाल है अभिषेक अग्रवाल का, इन्होंने रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज के 145 शेयर लिए हैं 100 रुपये पे, ये दुकानदारों से व्यापारियों से पैसा इकट्ठा करके बैंक तक पहुँचाते हैं, हाल रेडियंट क्या करना चाहिए इनको? मुझे चार्ट नहीं मिल रहा है इसका रेडियंट का, रेडियंट से मिल गया कैश मैन, मिल गया कैश मैनेजमेंट सर्विस, फिलहाल तो वीक चल रहा है, 89-90 के आसपास चल रहा है, ये लगता है ये स्टॉक रीसेंट लिस्टिंग है, हाँ हाँ साल भर पहले की, जब तक ये 100 के ऊपर नहीं निकलता तब तक वीकनेस रहेगी, साइडवेज जोन है, और अगर लो तोड़ा तो वीकनेस और बढ़ सकती है, लेकिन 100 का इंतजार कीजिए पार होता है तो, लेकिन मुझे लगता है साइडवेज जोन पर भी, साइडवेज में भी थोड़ी वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं है, लिस्टिंग के नीचे ट्रेड कर रहा है ये अच्छी बात नहीं है। पिंकू को उन्होंने 60 शेयर ले रखे हैं हिंडालको के 425 पर, और क्या करें ये? होल्ड ही करना चाहिए 425 पर, 108 पे ट्रेड कर रहा है, हिंडालको का चार्ट बढ़िया है, मुझे लगता है 550-675 ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए, लेकिन उसे टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। हाँ, अगर आपको स्टॉप लगाना है तो 490 का स्टॉप लगाए, वो ब्रीच नहीं होगा और आप इसको राइड कर सकेंगे ट्रेंड, और 20 रुपए का स्टॉप बढ़ता रहेगा, तो ट्रेलिंग स्टॉक बढ़ाते रहिएगा, आई थिंक विल बी ओके, फिलहाल होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी, बढ़िया स्टॉक है, क्या घबराना। चंडीगढ़ वाले सेठी साहब ने सवाल भेजा है, सेल 3000 शेयर 116 पर, जोमेटो 2000 शेयर 97 रुपए पर, 1 से 2 साल के नजरिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये स्टॉक मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, अच्छा बेस बना हुआ है 78 के आसपास, 1-2 साल का जो नजरिया है ये बढ़िया नजरिया है, होल्ड ही करना चाहिए, और जोमेटो आई थिंक 128 का हमने रिसेंटली टारगेट दिया था वहां पर चला गया, पहले था टारगेट करीब 90 का था मेरे ख्याल से, अब मू ऑन है इतना कह सकता हूँ, ये 140 भी जा सकता है, 150 भी जा सकता है, जोमेटो में जब भी कोई डिप मिलती है बाय है, जब तक ये 100 के ऊपर है तब तक, 100 एक अच्छा बेस बन चुका। ओके, शमिंदर सूद ने 200 शेयर लिए हैं बोरोसिल के
430 पर लॉन्ग टर्म का नजरिया जानना चाहते हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल है क्या? बोरोसिल है नहीं, बोरोसिल मेन वाला, मेन वाला 412 पर ट्रेड कर रहा है, बहुत स्लो चलता है, लो बीटा स्टॉक है, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होते रहे, अभी कंट्रक्शन जोन हुआ है और यहां से सपोर्ट मिला है, आपको मिलेगा यहां पर 500 भी जाएगा, होल्ड कीजिए बिल्कुल। ओके रोहित, आपको सर बधाई दे रहे हैं, उसके बाद सवाल भी पूछ रहे हैं कि 50 शेयर खरीदे सिप्ला के कल ही 1175 पर, लॉन्ग टर्म व्यू क्या है इस पे? लॉन्ग टर्म व्यू सिप्ला का बढ़िया ही है बिल्कुल, हाँ शॉर्ट टर्म में थोड़ी करेक्शन आ सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू बढ़िया है, आज भी करेक्शन था, कल भी करेक्शन है, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, थोड़ा डिप मिल सकता है, 1100-1150 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब भी कोई डिप मिले खरीदारी का मौका रहेगा सिप्ला में, नथिंग टू वरी। अनिल जोशी जी ने पहले भी एक सवाल भेजा था, फिर भेजा इन्होंने, इनका सवाल है कि क्या मैं HDFC बैंक में निवेश करूं, शुरू कर दूं क्या? देखिए एक बात तो पक्की है, फर्स्ट एंड फर्स्ट डिस्क्लोजर कि HDFC बैंक मेरे पोर्टफोलियो में है IPO के समय से, और ये मैं बुलिश हूं लॉन्ग टर्म के, और दिवाली के लिए मैंने ये पिक दिया था, दिवाली टू दिवाली जो 1460 जो जोन है रिसेंट लो हमने देखा है, टेक्निकली मैं यूज करता हूं वर्ड ज्योमेट्रिकली, एक ब्यूटीफुल लो है, बॉटम आउट हो चुका टेक्निकली, जब तक 1460 बरकरार है इसमें अपू ही मिलना चाहिए, हाँ 1460 टूट जाता है तो फिर वीकनेस हो जाएगी, ये केवियट है, मेरे ख्याल से ये स्टॉक बॉटम आउट हुआ, लेना है तो अब ले सकते लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि 1460 मेरे हिसाब से नहीं छूटेगा, जो ज्योमेट्री मैं जानता हूं उसके हिसाब से ब्यूटीफुल होल है HDFC बैंक, क्या बोलते हैं नेक लगाया मैंने, यस। हाँ कल मैं एक फंड मैनेजर से भी बात कर रहा था, उनसे मैंने पूछा भी कि ये शेयर तो प्रदर्शन ही नहीं कर रहा है, तो बोले कि अभी तो बड़े वाले शेयर में बाइंग आई नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं और वो और ख़रीद रहे हैं, नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि डिस्क्लोजर के इश्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन इस पे बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं या और एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो गावा जी की भी डिस्क्लोजर है चूँकि उनके पास भी है, तो आप इस पर अपनी एक राय बनाइए, लेकिन लार्ज कैप बैंक्स में काफ़ी अट्रैक्शन लोगों को देखने को मिल रहा है। अच्छा अगला सवाल फटाफट लेते हैं, फरहान जेना का, त्रिभुवनदास भीमजी जावेरी ज्वेलरी शेयर TBZ 83.70 रुपये पे 314 शेयर लें, क्या करें? 23 पर ट्रेड कर रहा है, स्ट्रक्चर ठीक है, 110 का स्टॉप लगाइए और कंटिन्यू होल्डिंग है, अपू मिलता रहेगा, बढ़िया स्टॉक है, ब्रांड नेम तो बहुत बढ़िया है TBZ का, होल्ड कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लगाइए बस, और क्या होल्ड। आजकल सोना चांदी बिक भी बहुत रहा है सर, सभी सोना चांदी के स्टॉक अच्छे काम कर रहे हैं तो इनको भी काम अच्छा करना चाहिए। ओके बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।